सिर्फ महिलाओं बच्चों का शिकार कर रहा गुलदार, डराने वाली रिपोर्ट से सनसनी। एक बार फिर से महिलाओं पर गुलदार का अटैक, श्रीनगर में दहशत इस बैग। गुलदारों के आतंक से नहीं मिलेगी कभी निजात, खतरा और मंडराता जा रहा। उत्तराखंड में इस समय एक ही संकट भारी हो चुका है, वो है गुलदार और बाघ का। ऐसा कोई इलाका नहीं बच रहा जहां गुलदारों के हमले की खबर नहीं आ रही हो। कई बाघ पकड़े जा रहे हैं तो कई गुलदार भी, लेकिन फिर भी हमले की खबरें आ जाती हैं। एक बार फिर से उत्तराखंड से हैरान करने वाली घटना सामने आई, जहां गुलदार ने महिला पर हमला कर दिया। महिला को नहीं पता था कि वो जिस रास्ते से जा रही है उस रास्ते में गुलदार हमले के लिए बैठा है। वो इस तरह से शातिर होकर छिपा था जैसे उसे पता था ये महिला इसी रास्ते से आएगी, लेकिन जिस दिन यह हमला किया गया उस दिन ये महिला नहीं बल्कि तीन महिलाएं साथ साथ जा रही थी और गुलदार था एक। लेकिन गुलदार ने हमले का मन बना लिया था और उस दिन उसने ठान लिया था वो शिकार कर ही रहेगा। लेकिन जब उसने देखा कि जिस रास्ते से एक महिला आती थी आज उसी महिला के साथ दो महिलाएं और हैं, तो गुलदार थोड़ा सा पीछे हटा, लेकिन बाद में सोच लिया कि अब हमला करना है और फिर शुरू होती है गुलदार के हमले की कहानी। जिस तरह से गुलदार ने हमला किया वो चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरा मामला श्रीनगर से है जहां इस समय आए दिन गुलदार हमले कर रहा है। इलाके में गुलदार दिख भी जा रहा है और इस तरह से उत्तराखंड में गुलदारों की दहशत भी कायम है। कीर्तिनगर ब्लॉक के नेथाणा गांव में घास लेने जंगल जा रही महिलाओं पर गुलदार ने हमला कर दिया। महिलाओं ने किसी तरह गुलदार को भगाकर जान बचाई, हालांकि उस दौरान महिलाएं घायल हो गईं, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को कीर्तिनगर ब्लॉक के नेथाणा गांव के तीन महिलाओं पर घात लगाए गुलदार ने हमला कर दिया। महिलाएं गांव के पास ही जंगल में घास लेने गई थी। गुलदार ने महिलाओं को नाखून और दांत मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। महिलाओं ने गुलदार को भगाने के लिए शोर मचाना शुरू किया, जिसके बाद गुलदार भाग गया। पास के लोगों ने महिलाओं को इलाज के लिए बेस अस्पताल में भर्ती कराया, जहां महिलाओं का इलाज चल रहा है। ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी महिलाओं पर हमले की खबरें आईं तो कई महिलाओं की जान जा चुकी है। इस तरह से हमले सिर्फ एक इलाके में नहीं कई इलाकों में गुलदार कर रहा है, जिससे और भी खतरा मंडराता जा रहा है कि आखिरकार घर से लोग कैसे निकले। आखिरकार गुलदार महिलाओं और बच्चों पर ही क्यों हमला कर रहा है, इसके पीछे की स्टोरी सोचने वाली है और बहुत गंभीर भी, क्योंकि गुलदार अक्सर हमले महिलाओं और बच्चों पर ही कर रहा है। आखिर क्यों, इसके पीछे की असली वजह क्या है और किस लिए गुलदार ऐसा कदम उठा रहा है, आज हम यही अपनी रिपोर्ट में बताने वाले हैं। अक्सर गुलदार के हमले में बच्चे, महिलाएं या फिर बुजुर्ग ही मारे जाते हैं। गुलदार इनको सबसे कमजोर मानता है, जिनका शिकार आसानी से कर लेता है। गुलदारों को पता होता है वो अगर बच्चों पर हमला करेगा तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अगर महिलाओं पर करेगा तो महिलाएं इतनी लड़ नहीं पाएंगी और बुजुर्गों पर करेगा तो वो आसानी से शिकार हो जाएंगी। इसलिए गुलदारों को समझदार माना गया, क्योंकि जितनी चालाकी से ये हमला करते हैं वो सोचने वाली बात है, जिसकी चर्चा खूब हो रही है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं निकल पाया कि इस पर रोक कैसे लगे।